हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी शैल स्टार्ट अवर चैप्टर विद द टॉपिक द खलजीज। खलजी वंश 1292-1320 CE, 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। कल हमने पढ़ा था कि जलालुद्दीन ने जो बलबन के कमजोर और अयोग्य उत्तराधिकारी थे उन सब का मर्डर करके खुद सिंहासन पर बैठ गया था और इसी ने फिर खलजी वंश की स्थापना की थी। तो हम आज उसी से शुरू करते हैं। जलालुद्दीन खलजी 1290-1296 CE, जलालुद्दीन खलजी 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक। ही कैप्चर्ड द थ्रोन एट द एज ऑफ 70 बाय मर्डरिंग द लास्ट टू सक्सेसर ऑफ बलबन। जलालुद्दीन खलजी 70 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठा बलबन के दो अंतिम उत्तराधिकारी का खून करके, वध करके, मर्डर करके। He founded the Khalji dynasty in 1290 CE. जलालुद्दीन खलजी ने खलजी वंश की स्थापना की 1290 ईस्वी में। He was assisted by his nephew Alauddin in his military expeditions. जलालुद्दीन की मदद की जाती थी उसके भतीजे द्वारा, जब भी उसका भतीजा अलाउद्दीन था कोई भी सैन्य अभियान करना होता था, यानी उसके सैन्य अभियानों में अलाउद्दीन जलालुद्दीन की मदद क्या करता था। अलाउद्दीन वाज वेरी एम्बिशियस पर्सन। अलाउद्दीन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ही वांटेड टू बिकम द सुल्तान। अब ये अलाउद्दीन सुल्तान बनना चाहता था। ही ट्रेचरसली मर्डर हिज अंकल हु वाज कमिंग बैक आफ्टर डिफीटिंग द रूलर ऑफ देवगिरी। उसने धोखेबाजी से अपने चाचा का खून कर दिया, मर्डर कर दिया, जो कि देवगिरी के शासक को हराकर वापस आ रहा था। दस ही कैप्चर्ड द थ्रोन इन 1296 CE, और इस प्रकार उसने सिंहासन पर कब्जा कर लिया 1296 ईस्वी में। अब अलाउद्दीन ने अपने चाचा को जलालुद्दीन का वध करके सिंहासन पर बैठ गया, दिल्ली सल्तनत पर उसने अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खलजी 1296-1316 CE, अलाउद्दीन खलजी जिसने शासन किया 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। ही वॉज ए ब्रेव जनरल एंड स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर। अलाउद्दीन खलजी एक बहादुर जनरल था और एक कुशल प्रशासन करने वाला, राज्य करने वाला था। लाइक अलेक्जेंडर ही वांटेड टू कॉन्क्वेयर द होल वर्ल्ड। अलेक्जेंडर की तरह वो भी पूरे संसार पर विजय प्राप्त करना चाहता था, पूरे संसार को जीतना चाहता था। ही कैप्चर्ड गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, मारवाड़ एटसेट्रा। उसने कब्जा कर लिया गुजरात पर, रणथंबोर पर, चित्तौड़ पर, मालवा पर, मारवाड़ पर आदि, इन द नॉर्थ एंड देवगिरी, वर्नागल, मदुरई एंड ए नंबर ऑफ स्टेट्स इन द साउथ। उत्तर में तो गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, मारवाड़ और देवगिरी, वर्नागल, मदुरई और बहुत से जो स्टेट थे दक्षिण में उन पर उसने अधिकार कर लिया। टू सेफगार्ड हिज सल्तनत फ्रॉम द इन्वेजन ही हैड ए वेल ट्रेन्ड एंड वेल इक्विप्ड आर्मी। अपनी सल्तनत को इन्वेजन से सुरक्षित करने के लिए, आक्रमणों से बचाने के लिए उसके पास थी बहुत ही अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सुसज्जित सेना थी, यानी बहुत ही अच्छी सेना थी जिनको सब कुछ औजार भी चलाने आते थे और किस प्रकार से अच्छी कूटनीति से युद्ध को जीता जाए ये सब वो जानते थे। ही कैप्ट फुल रिकॉर्ड ऑफ हिज सोल्जर्स हुलिया एंड ताग टू अवॉइड एनी सब्स्टिट्यूशन। वो अपने सिपाहियों का पूरा रिकॉर्ड रखता था, उनका हुलिया, चेहरा, उनके चेहरे पर दाग वाग जो भी है वो सब रिकॉर्ड करके रखता था कि किसी भी प्रकार का कोई प्रतिस्थापना ना हो, यानी कोई उस सैनिक का स्थान न ले और फिर धोखेबाजी से कुछ गड़बड़ कर दे या सुल्तान को मार दे आदि। ऐसा सोचते हुए उसने अपने सभी सिपाहियों का रिकॉर्ड रख रखा था।
सोल्जर्स वर पेड इन कैश एंड वर गिवन मैनी अदर फैसिलिटीज। सिपाही जो थे उनको कैश दिया जाता था, यानी उनकी तनख्वाह दी जाती थी, पैसे दिए जाते थे, और उनको बहुत सी दूसरी सुविधाएं भी दी जाती थी। अलाउद्दीन डिड नॉट अलाउ द नोबल्स और द पीपल टू अमास मनी। अलाउद्दीन नहीं चाहता था, अलाउद्दीन ने अनुमति नहीं दी, ये नहीं चाहता था वो कि कोई भी कुलीन वर्ग और जो आम जनता है, लोग हैं, वो पैसा धन इकट्ठा करें। सो ही टैक्स देम हैवीली। इसलिए उसने क्या किया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स थोप दिए, कर लगा दिए। ही बैंड द सेल एंड कंजम्पशन ऑफ वाइन। अब उसने दूसरा क्या किया, कोई भी दारू जो शराब होती है, दारू शराब, उसकी सेल नहीं करेगा, उस पर पाबंदी लगा दी, बिक्री पर और खपत पर, यानी दारू की का यूज करना और बेचना, इस पर बैन लगा दिया। ही ऑर्गेनाइज्ड एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सिस्टम टू कंट्रोल रिवोल्ट अगेंस्ट हिम। उसने एक बहुत ही प्रभावशाली और कुशल योजना बनाई कि जो उसके खिलाफ जो भी विरोध होते थे उनको सही करने के लिए, उनका प्रबंध करने के लिए उसने एक इफेक्टिव और एफिशिएंट सिस्टम बना लिया था। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु डिड नॉट टॉलरेट द इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजियस लीडर्स लाइक उल्लेमाज एंड मुल्लाज इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। वो पहला मुस्लिम शासक था जिसने जो धार्मिक नेता होते थे, जैसे उल्लेमाज और मुल्ला जो होते थे, उनकी दखलंदाजी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने प्रशासन में सहन नहीं की, यानी वो अपने शासन करने के तरीके में न तो मुल्लाओं की ना उल्लेमाज की मदद देता था। अलाउद्दीन इज फेमस फॉर हिज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अलाउद्दीन अपने आर्थिक सुधारों के लिए भी प्रसिद्ध है। ही फिक्स्ड द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ द गुड्स ऑफ डेली यूज। उसने अधिकतम खुदरा मूल्य फिक्स कर दिया, स्थापित कर दिया, जो प्रतिदिन के सामान हम इस्तेमाल करते हैं, प्रतिदिन का जो सामान इस्तेमाल किया जाता था उसके ऊपर उसने अधिकतम खुदरा मूल्य फिक्स कर दिया। ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड ग्रेन स्टोरेज एंड राशनिंग सिस्टम। अब उसने अनाज का संग्रह करना और राशन प्रणाली, जैसे कि राशन बढ़ता है हमारे राशन कार्ड के थ्रू, ये योजना भी चलाई। देर वर मैनी डिफरेंट मार्केट प्लेसेस फॉर डिफरेंट कमोडिटीज। अलग अलग मार्केट के स्थान होते थे अलग अलग सामानों के लिए, यानी कहीं पर अनाज मिलता है तो अनाज वाला स्थान, कहीं पर सब्जी मिलती है तो सब्जी, कहीं पर कपड़े मिलते हैं तो कपड़े, यानी अलग अलग मार्केट था। स्वीर पनिशमेंट वॉज गिवन टू दोज हु वेट लेस एंड चीटेड द बायर्स इन एनी वे। बहुत ही कठोर दंड दिया जाता था उन लोगों को जो कम तो तोलते थे या खरीदार को धोखा देते थे किसी भी तरीके से, तो उनको कठोर दंड दिया जाता था। मार्केट कंट्रोलर्स वर अपॉइंटेड फॉर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ओवर द ट्रेडर्स। बाजार नियंत्रक जो होते हैं मार्केट पे कंट्रोल करने वाले, उनकी नियुक्ति की गई थी जो सख्त निरीक्षण करते थे व्यापारियों के ऊपर। ही आल्सो रिफॉर्म्ड द रेवेन्यू सिस्टम। उसने जो कर योजना थी, कर प्रणाली थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार किया। लैंड रिवेन्यू वॉज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। भूमि कर को निश्चित कर दिया जितनी जमीन की साइज होती थी उसके हिसाब से, जितनी जिसके पास जमीन थी उसके हिसाब से लैंड रिवेन्यू फिक्स कर दिया। द स्टेट शेयर वॉज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। और राज्य का हिस्सा भी निश्चित कर दिया, जितना भी उत्पादन होता था उसका 50% देना होता था, यानी कोई भी किसान अनाज उगाता तो उसका आधा हिस्सा उसको राज्य को, राजा के पास जमा करना पड़ता था, सुल्तान की सल्तनत में जमा करना पड़ता था। द लाइफ ऑफ द हिंदूज वॉज मिजरेबल बिकॉज दे हैड टू पे मोर टैक्सेस देन द मुस्लिम। जो हिंदू लोग थे उनका जीवन बहुत ही दयनीय था, बहुत ही दुख वाला था, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना होता था मुसलमानों के बजाय।
नेक्स्ट डू यू नो व्हेन अलाउद्दीन केम टू नो अबाउट द सुपर ब्यूटी ऑफ पद्मिनी द क्वीन ऑफ चित्तौड़ ही वांटेड टू मैरी हर सो ही अटैक चित्तौड़ ही डिफीटेड द राजपूत क्वीन क्वीन पद्मिनी एंड अदर लेडीज कमिटेड जौहर। क्या आप जानते हैं, आपने देखी भी होगी, मूवी में भी दिखाया है पद्मावत में, ऐसे इसमें बताया है कि अलाउद्दीन को जब पद्मिनी रानी की सुंदरता के बारे में पता चला कि वो बहुत ही बहुत ज़्यादा सुंदर है जो चित्तौड़ की रानी है, इसलिए वो उससे शादी करना चाहता था पद्मिनी से, इसलिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और राजपूत राजाओं को हरा दिया। अब राजपूत राजा जब हार गए, ये राजा रतन सिंह की पत्नी थी जी, तो युद्ध में जब ये हार गए तो रानी पद्मिनी ने और उसकी की जो साथ दूसरी महिलाएं थीं उन सब ने जौहर कर लिया, यानी अपने आप जौहर में क्या होता है कि अपने आप को अग्नि के हवाले कर देते हैं, जला लेते हैं कि कोई फिर उनकी इज्जत पर हाथ न डाले। द स्टोरी ऑफ पद्मिनी द क्वीन ऑफ राणा रतन सिंह ऑफ मेवाड़ वाज विविडली डिस्क्राइब्ड बाई मलिक मोहम्मद जायसी इन हिज एपिक पद्मावत। पद्मिनी की जो कहानी, जो राजा रतन सिंह की, जो मेवाड़ के राजा थे उनकी पत्नी थी, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ लिखा है पद्मावत, उसमें बताया गया है और इसी के ऊपर ही ये हमारी मूवी बनी हुई है पद्मावत। ओके बेटे, थैंक यू।